थाना का युवक फंसा यूक्रेन में, व्हाट्सएप कॉल कर मां को सुनाई दास्तां। जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के पंचायत थाना का 22 वर्षीय युवक अनिरुद्ध कमल यूक्रेन में फंस गया है, जिसके सकुशल वापसी के लिए जहां उपमंडल के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं परिजनों ने भी भारत सरकार से युवक को सकुशल अपने देश पहुंचाने की अपील की है। एक भेंट वार्ता में युवक की मां कंचन प्रभा ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व उनका बेटा यूक्रेन में पढ़ाई करने गया था, जो कि अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध कारण बंगर में भूखा प्यासा रह रहा है। क्या नाम आपका? कंचन प्रभा। कहाँ घर आपके? थाना। आपका बेटा यूक्रेन में स्टडी करने गया था? हाँ जी। ये कब गया था? ये 4 साल हो गए, चौथा साल। चौथा साल चलो। हाँ जी। तो अभी क्या वहाँ पे उनको टिकट वगैरह मिली है या कभी उनकी बातचीत हुई है वापस आने की? नहीं, वापस आने की तो कोई नहीं हुई, टिकट बुकिंग नहीं हुई थी अभी ना। अच्छा, तो कैसी स्थिति है बच्चा गुजर रहा है इस वक्त? अभी तो बेस में, उसमें है मेट्रो बेस में ना। अच्छा, तो वहाँ पे दिन रात वही है रह रहे, और खाने पीने की तो उनको बिल्कुल बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जैसे वो वहां से छूटेंगे तब कुछ खाएंगे, वैसे बंकर में तो कुछ कोई मिल नहीं रहा कुछ भी खाने वगैरह का। और क्या उनका अपने जो दूतावास, भारत का दूतावास होता है, वहाँ उनका कंसर्न हो पाया? नहीं ना हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वो कर रहे हैं पर शायद इतने बच्चे हैं तो उनकी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हजारों बेचारे कर रहे हैं कॉन्टेक्ट। तो आपकी कब बात हुई थी उनसे? मेरी तो आज सुबह भी हुई बात बच्चे से। तो क्या बता रहे हैं वो? वो बोल रहा कि बंकर में ही अभी खाया पिया कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब हाँ, सुबह के वैसे ही बैठे हुए हैं, बोले वहाँ भी बंकर में बाहर इतने धमाके हो रहे हैं कि निकल भी नहीं सकते। अच्छा, उनके नजदीक? हाँ जी, खार्किव में है ना वो। अच्छा, खार्किव में। तो कितनी दूर उनके वहाँ फायरिंग हो रही है? फायरिंग उनके पास ही है, वो बेचारे तो बंकर में तो ऐसे लगता है कि जब बोले बाहर कोई बम पड़ता तो अंदर तो ऐसे थर रहा जाता है कि इतनी कंपन होती है, पता नहीं ऐसा लगता कि पास में ही है कोई। तो कैसा फील कर रहा है परिवार इस वक्त, बच्चा इस मुसीबत में वहाँ पे रुका हुआ है? मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे बाकी के बच्चे बेचारे यहाँ आ गए हैं कुशल मंगल, वैसे ही ये भी सारे वहाँ से निकल आए, उनके साथ मेरा बच्चा भी यहाँ आ जाए, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो लोकल प्रशासन के पास कब डिटेल गई थी बच्चे के वहां रहने की? मैंने कल परसों भी मेरे को फोन आया था, 1100 नवंबर हेल्पर भी उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था शिमला से जी, तो उनको मैंने डिटेल दे दी थी मतलब। और फिर उसने बच्चे ने दो बार वहां लाइव भी किया है TV9 पर। अच्छा। हाँ जी, तो उसने बताया भी है कि हम बंकर में है और कैसे कैसे है मतलब। क्या नाम है बेटे का? अनिरुद्ध कमल। कितनी उम्र है उसमें? 22 साल। अच्छा, आपको आई कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की? उसके लिए फतेहपुर से विजय समियाल की रिपोर्ट। अभी बंद है वहाँ का, तो फिर क्या बोले?